अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एमयू में फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट जो है वो आ गई है। आज 15 मार्च है। ऐसे में कुछ कोर्सेज की फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो 15 मार्च है। वन मंथ ऑलमोस्ट हो गया जब आपको फॉर्म्स आए थे 15 फरवरी के आसपास। यहाँ पे फॉर्म रिलीज किए गए थे और वन मंथ का आपको टाइम दिया गया था। तो जिसने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है वो आज फॉर्म फिल कर दें। कौन कौन से कोर्सेज आज लास्ट डेट है फॉर्म की वो इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को अभी पता भी नहीं है कि फॉर्म आ गए। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि फॉर्म्स आ गए एमयू की नहीं, तो सारे फॉर्म जो है वो कोर्सेज के आ चुके हैं। अब और कोई भी फॉर्म नहीं आने वाले। इसमें आपकी लास्ट डेट भी आ गई है बैचलर कोर्सेज की। तो बैचलर कोर्स में जैसे कि आपका बीएससी है, कम्युनिटी साइंस है, इसकी आज लास्ट डेट है। यहाँ पे आप देखेंगे ये एमयू के गाइड में दिया हुआ है, 15 जो है फरवरी को फॉर्म आए थे और 15 मार्च जो है आज इसकी लास्ट डेट है। विदाउट लेट फीस यानी 600, अगर आज आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको सिर्फ फॉर्म फीस पे करनी पड़ेगी 600। लेकिन अगर आज के बाद यानी कल आप फॉर्म फिल करते हैं और फीस पे करते हैं फॉर्म की, तो फिर आपको इसमें 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और इसकी लास्ट डेट जो है वो 22 है, यानी 22 मार्च तक आप फिल कर सकते हैं लेट फीस के साथ। तब आपको टोटल इसमें 900 रुपीज़ देने पड़ेंगे बीएससी कम्युनिटी साइंस के लिए। उसी तरीके से बीएससी ऑनर्स की जो फीस है वो है 700 और इसकी भी लास्ट डेट जो है वो आज है 15 मार्च। लेट फीस के साथ आप फिल कर सकते हैं, यानी आपको 1000 रुपीज़ बीएससी ऑन एग्रीकल्चर के लिए देने पड़ेंगे। इस तरीके से फिर मास्टर कोर्स की जो है आज लास्ट डेट नहीं है। इसमें आपको 19 मार्च तक टाइम दिया गया है मास्टर कोर्स के लिए, जैसे कि एमएससी हुआ, एमबी हुआ, इन सब की 19 मार्च है विदाउट लेट फीस। और लेट फीस के साथ आपकी ये 26 मार्च तक है। ये तो हो गया बीएससी का। लेकिन बात करें अगर बीए की फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में, तो इसकी भी लास्ट डेट जो है आपकी यहाँ पे 15 मार्च है, यानी आज ही इसकी भी लास्ट डेट है विदाउट लेट फीस। अगर आप आज फॉर्म फिल करते हैं तो आपको 600 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप कल के बाद फॉर्म फिल करते हैं कल से, तो फिर आपको इसमें 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे लेट फीस में। और 22 मार्च तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बीए के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे कॉमन इसमें फॉर्म फिल होता है बीए का, तो इसके लिए आपको जो है इसमें 600 रुपीज़ पे करने होंगे। उसी तरीके से और फैकल्टीज की बात करें, तो उसमें जितने भी आपके बैचलर कोर्स हैं उनकी लास्ट डेट आज ही है। जैसे कि बीकॉम फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में, इसमें भी इसकी भी लास्ट डेट जो है आपकी 15 मार्च है और इसकी आपको फॉर्म फीस जो है वो 700 है। तो जिसने भी अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है वो आज फिल कर सकता है। अगर वो विदाउट लेट फीस फिल करना चाहता है तो आज इसके पास लास्ट टाइम है, लास्ट डे है फिल करने का। बीए, बीकॉम, बीएससी ये कुछ बैचलर कोर्स हैं जिनकी आज लास्ट डेट है। बाकी बीटेक हुआ बैचलर में ही आता है, इसकी अगर आप लास्ट डेट देखेंगे तो इसमें आप जैसे बीटेक है फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, तो इसकी लास्ट डेट जो है वो आपकी 17 मार्च है विदाउट लेट फीस, और लेट फीस के साथ 24 मार्च तक है। और बाकी जितने भी आपके मास्टर डिग्री के कोर्स हैं उनकी यहाँ पे 19 मार्च तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो बैचलर की 15 है और मास्टर डिग्री की जो आपकी जितने भी कोर्स हैं उनकी लास्ट डेट जो है वो 19 मार्च है। जिसने भी फॉर्म फिल नहीं किया है वो फॉर्म फिल कर सकता है। अगर क्लास 11th की बात करें तो क्लास 11th की जो आपकी फॉर्म फीस है वो है 800 रुपीज़, और इसमें 17 फरवरी को फॉर्म आए थे और 17 मार्च तक आपके पास टाइम है फॉर्म फिल करने के लिए विदाउट लेट फीस। अगर आप लेट फीस के साथ फिल करते हैं यानी 18 मार्च को, तो आपके पास 24 मार्च तक टाइम है। इसमें आप 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, यानी 1100 रुपीज़ टोटल आपको पे करने पड़ेंगे फॉर्म फीस के लिए, और 24 मार्च तक आप फिल कर सकते हैं। डिप्लोमा और साइंस का कॉमन जो है यहाँ पे फॉर्म फिल होता है, तो डिप्लोमा की भी लास्ट डेट जो है आपकी वो 17 मार्च है, और कॉमर्स आर्ट्स का जो कॉमन फॉर्म फिल होता है तो उसकी भी लास्ट डेट जो है आपकी वो 17 मार्च तक है। अगर बात करें पीएचडी के फॉर्म्स की, तो पीएचडी के फॉर्म्स अभी आए नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है विल बी नोटिफाइड सेपरेटली, यानी उनके फॉर्म्स अलग से आएंगे। और फॉर्म फीस यहाँ पे दी है 850 रुपीज़ जो है आपकी पीएचडी के फॉर्म्स की फीस है। कोई हो सकता है आपको जो है फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम आ रही हो क्योंकि वेबसाइट जो है स्मूथली वर्क नहीं कर रही है, तो आप कुछ टाइम के बाद ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे जो भी आपकी हेल्प हो सकेगी वो करेंगे।